पिछा छाड़ुनी वर्षा ओडिशारे लगातार गोटिए परे गोटिए लघुचाप सृष्टि हेबारे लागिछि। उत्तर आंडामान सागर रे 29 ओ 30 तारिख बेळकु आउ एक लघुचाप संभावना देछि आंचलिक पाणीपाग विभाग एवं एही लघुचाप अधिक घनीभूत होई अवपातरे परिणत होई पारे। तबे एही नुआ लघुचापर प्रभाव ओडिशा उपरे कोन कोन रहिछि एवं केबे एहा स्थलभाग छुइबो जहा कि आपण एही वीडियो रे संपूर्ण रूपे जानि पारिबे। हेते लागि वीडियो को संपूर्ण देखिबा सहित आमो चैनल नुआ अछंती सब्सक्राइब करी पाखरे अस्तुआ बेल आइकन उपर क्लिक करी पारिबे कारण आपनकु एही भलिया वीडियो डेली देखेकु मिलि जिवो। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रो पश्चिम बंग ओ बांग्लादेश उपकूल रे वर्तमान लागि रहितबा लघुचाप उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रो पश्चिम बंग ओ बांग्लादेश उपकूल उपरे अवपात सक्रिय रहिछि। घंटा प्रति 22 किलोमीटर बेगरे गति करूछि डिप्रेशन। एहा पूर्वाबरे उत्तर ओडिसा रे वर्षा संभावना रहिछि। तेणु मयूरभंज ढेंकानाल और केन्दुझर अंचल स्वल्पर मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना रही। मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को न जावा बारण कर तबे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में केन्द्रीभूत अवपात पारादीप 90 किलोमीटर दूर रही। पश्चिम बंगोपसागर द्वीप 670 किलोमीटर दूर रही। उत्तर पूर्व दिगरे घंटा प्रति 10 किलोमीटर बेगरे गति करुची। तबे एहा प्रभाव में बहुत जिले में वर्तमान ओडिशा स्वल्प रु मध्यम धरण वर्षा देखा मिलू। सेपटे आउ एक लघुचाप दाना बांधिवार लगी शेष आड़ को आउ एक लघुचापर संभावना रही। 29 और 30 तारिख बेलू उत्तर आंडामान सगर में आउ एक लघुचाप सृष्टि हो पारे। 3 तारिख बेलू यह केन्द्रीय बंगोपसगर आड़ को गति करे। नवेम्बर 3 पर्यंत तहार प्रभाव रहिबार संभावना रही। सूचना देखती आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। तबे एही लघुचापटी जेते निकटवर्ती हेबो तार अपडेट सेते जारी हेई पारिबो। आपण माने निहाते बारे चैलेंज सहित जोड़ी हेई रहंतु। सब्सक्राइब करिकि बेल आइकन उपर क्लिक करंतु कारण आपण मानुकु एही लघुचापर जे कोनोसी अपडेट आसीबो आपण मानुकु एही चैलेंज प्रथमे देखिबाकु मिलिजिवो। त मु देखाउची आउ एक नुआ अपडेट रे सेतले पंत धन्यवाद।